उधर कोई आ रहा है हमारे घर के इधर। माँ उसके साथ एक सिपाही भी है। ठीक है बेटे तुम लोग जाओ मैं देखती हूँ। रंजीत है रंजीत चल बाहर निकल। रंजीत। नमस्ते साहब। देखो तुमने मित्तर साहब से पैसा लिया था कि नहीं? हाँ साहब पैसा तो लिया था। लिया था ना? हाँ हाँ। अपने जमीन में खेती के लिए पैसा लिए थे। हाँ अभी कैसे वापस करूँ साहब, अभी खेत में फसल तो ठीक से पैदा नहीं हुई है। पैसा अभी तक वापस नहीं किया तुमने? फसल होते ही मैं पैसा लौटा दूंगा। अच्छा एक काम करो, चलो एक अंगूठा लगा दो इधर। हाँ हाँ इधर लगा दो अंगूठा। थोड़ा वक्त तो दीजिए साहब। अरे इसका नाम किधर है? एक मिनट। हाँ इधर अंगूठा लगा दो। मैं शपथ लेके कहता हूँ आपका पैसा लौटा दूंगा। साइन करो और घर बन छोड़ के सब चले जाओ। सब ऐसा मत कीजिए, मेरे छोटे छोटे बच्चे हैं। अपने मित्र साथ से एक महीने के लिए पैसा लिया था बराबर, अभी 3 महीना हुआ तो अभी जमीन मित्र साहब का हो गया बराबर। तो साहब आप करो मैं समझाता हूँ। अरे रंजीत। जी साहब। अंगूठा लगाता है या लेके जाऊँ तुझे? पैसा लेते समय तुम्हें मालूम नहीं था पैसा चुकाना होता है? ऐसा पैसा लेके खा जाने का? मुझे एक बार मालकिन से मिलने का मौका तो दो। ठीक है एक मौका देता हूँ। आपकी बहुत मेहरबानी होगी। चलिए साहब इसे एक मौका देते, जाके मालकिन से मिल ले। अगर मालकिन ने तुझे माफ कर दिया तो तेरा जमीन वापस है, या तो नहीं फिर तेरी जमीन सब मालकिन के नाम हो जाएगी। मैं मालकिन से मिल लेता हूँ। मालकिन मुझे आप माफ कर दीजिए, मालकिन मुझे माफ कर दीजिए, मेरे छोटे छोटे 4 बच्चे हैं, मैं कहाँ जाऊँ उनको लेके? आपकी दया है मालकिन, भगवान आपको बहुत बहुत कुछ देगा। मुझ पे तरस खाओ मालकिन, मुझ पे तरस खाओ, मुझ पे रहम करो, दया करो। क्या करूँ मैं, मेरे जो छोटे छोटे बच्चे हैं उनको लेके मैं कहाँ जाऊँ, किधर? अरे अरे मेरा पैर छोड़ो, ये क्या गिड़गिड़ा रहे हो? तुमने हमसे पैसे लिए थे, वो पैसे तुम लौटा दो, हम तुम्हें तुम्हारी जमीन दे देंगे। कहां से लाऊं इतना पैसा, मेहरबानी करो मेहरबानी करो। देखो तुम्हारी जमीन ही रहेगी, हम लेके क्या करेंगे? तुम हमें पैसा दे दो और अपनी जमीन ले लो। आप तो दयालु है, माफ कीजिए। और अगर नहीं है तो जमीन छोड़ दो। माफ कर दीजिए मैं आपका पाँव पड़ता हूँ। देखो देखो ये पैर पड़ना छोड़ दो, हमने तो तुमसे सिर्फ ब्याज लिया है, 3 रुपए का 12 रुपए हुआ है अब तक, हमने तो बस ब्याज पे ब्याज नहीं लिया है, सिर्फ जो ब्याज है उसका ब्याज लिया है। मालकिन। और मूलधन तो है ही जो तुमने दिया ही नहीं, तो ये जमीन हमारी हुई ना? मालकिन हमारे ये पुरखों की जमीन है, मात्र 2 एकड़ ही है और उसके सिवाय कोई रास्ता भी नहीं है, हम कहाँ जाएंगे? मालकिन रहम करो मैं आपका पैसा लौटा दूंगा, अभी बारिश हुआ नहीं, कुछ उपजाऊ नहीं है, मैं क्या करूँ? आपका ये एक आधार है, दया करो मालकिन दया करो, मैं आपका 3 रुपया लौटा दूंगा। ये हमारी पुरखों की जमीन है, मात्र 2 एकड़ जमीन है, उसके अलावा कोई सहारा नहीं है। हे भगवान मैं क्या करूं मालकिन, मैं क्या करूं
देखो एक बात समझ लो, ऐसे गिरगिराने से तुम्हारी जमीन तुम्हें वापस नहीं मिलेगी। तुम जाओ यहाँ से। देखो ये रोना धोना अपना बंद करो। हाँ ये मेरा घर है, घर में रोना धोना मुझे बिल्कुल पसंद नहीं है, अपशगुन होता है। जाओ यहाँ से। पैसा लेते हो मगर समय से दे नहीं सकते हो, और फिर ऊपर घर आकर रोते हो, ये कोई बात हुई? भगा दिया ना तुझे? हाँ क्या जरूरत थी वहां जाने की? क्यों तूने कर्जा लिया था? अब रोकर क्या करेगा? मैं क्या करता, खेती के लिए धान लगता है, बीज लगता है, उस समय मुझे पैसे की जरूरत थी, मैं क्या करूं? उस समय मुझे जरूरत थी, मैं बहुत मजबूर था। तुम एक महीने का पैसा बोल के कर्जा लेता है, तुझे इतने दिन हो गए खेती करते करते, तुझे अभी नहीं मालूम है कि एक महीने में तू कहां से क्या कमा के देगा? हाँ कभी तूने सोचा है क्या खाएगा, कहां जाएगा, बच्चे के लिए क्या सोचेगा? हाँ छोटे छोटे बच्चे जो भूखे मर रहे हैं, बस कर्जा चाहिए। मित्र परिवार से पैसा ही लेना था कर्जा, तो एक बार तू अपने गांव वालों से, अपने पिताजी से तो पूछ लेता। हाँ और तूने जिस कागजात पे अंगूठे लगाए हैं ना, तूने एक बार भी सोचा है? हाँ अब हम कचहरी जाकर करे तो क्या करे? मुझे मालूम नहीं था भाई, मैं बहुत फंस गया हूँ। सब कुछ तो उसको दे दिया है, जमीन जायदाद सब। अगर ये काम करने से पहले एक बार हम लोगों से पूछ लिया होता तो हम लोग तो साक्षीदार बनते। अब कौन है? कोई नहीं है, बस ऐसे ही गिड़गिड़ाते रहो। मालकिन के सामने बहुत हाथ पांव जोड़ा लेकिन वो माने नहीं, मेरी एक बात नहीं मानी, मैं क्या करूं अभी? और ये मित्र परिवार किस तरह से खून चूसता है तुझे पता है? नहीं इसी तरह तेरा चूस डालेंगे, कभी सलामत लेना। यहाँ उनसे कितने लोग बर्बाद होकर चले गए हैं, बर्बाद हो रहे हैं, तुझे पता है? मेरा सब कुछ चला गया, मैं बर्बाद हो गया, लेकिन मैं बहुत मजबूर था। अभी मैं क्या करूँ? ठीक है रो मत, जा। अब एक ही आसरा है, आप अब कुछ करो मेरे लिए। मैं देखता हूँ, जा। ठीक है भाई, ठीक है, ठीक है भाई। मालकिन जी मैं तिवारी आपसे मिलने आया हूँ, मेरे पिताजी शायद आपको इससे पहले मिले होंगे। वो सब तो ठीक है मगर यहाँ किस लिए आए हो? मालकिन जी आपको तो पता ही है हम सब परिवार और हमारे गांव वाले आपकी बहुत इज्जत करते हैं, सम्मान करते हैं, इसीलिए हम आपके पास आए हैं। जो हमारे और आपके बीच जो प्रेम बना हुआ है, कहिए प्रेम नफरत में ना बदल जाए। बंद करो तुम्हारा ये बकवास, मुझे तुम्हारा कोई उपदेश नहीं सुनना है, काम की बात करो, क्यों आए हो यहाँ पे? मालकिन छोटा मुंह बड़ी बात, लेकिन मैं आज बोलने के लिए बहुत मजबूर हूँ। जिस तरह से परिस्थिति बिगड़ती जा रही है, मैं बोले बिना चुप नहीं रह सकता हूँ। मित्र परिवार के बारे में कोई सर्टिफिकेट मुझे तुमसे नहीं चाहिए। तुम लोगों की जुबान बहुत खुलने लगी है, बहुत तेज चलने लगी है, क्योंकि अंग्रेजों ने जुबान पर टैक्स नहीं लगाए ना, इसलिए। अभी मैं वही सिफारिश करने वाली हूँ कि तुम लोगों की जुबान पर टैक्स लगाए जाए, क्योंकि तुम्हें मालूम नहीं है तुम कहाँ खड़े होकर किससे बात कर रहे हो।
हमने अपना बैठक खाना इसलिए खुला नहीं रखा है कि कोई भी साधारण व्यक्ति अंदर आ जाए और उपदेश देकर चले जाए। माफ कीजिए मालकिन जी, मैं कोई उपदेश देने नहीं आया था। तो किस लिए आए हो? लोग हमारे खिलाफ भड़क रहे हैं, ये बताने के लिए आए हो? मालकिन जी, आप मुझे गलत मत समझिए। क्या गलत नहीं समझूं? क्या तुम लोगों के कारनामे मुझे पता नहीं है? कंपनी के गोरे साहब को तुमने गाली गलौज की थी और उसके लिए तुम्हें 50 कौड़े भी पड़े थे। फिर तुम्हें किसने बचाया? मैं ही गई थी वहां तुम्हें बचाने के लिए। अगर कंपनी वाले अगर पहले ही तुम लोगों के जुबान पे टैक्स लगा दी होती ना, तो तुम लोगों की इतनी हिम्मत नहीं होती ऐसे उन लोगों को अपशब्द कहने की। छूट जो मिल गई तुम लोगों को, इसीलिए बिन बजाने चल पड़े। मालकिन जी, आप समझने की कोशिश कीजिए। हमारे गांव वाले अपने पुरखों की जमीन जायदाद छोड़कर, गांव छोड़कर सब जा रहे हैं। तो मैं क्या करूं? मैं क्या उन सब का ठेका लेके रखी हूं? जा रहे तो जाने दो, जो गांव में रहना नहीं चाहते हैं तो मैं उनको जबरदस्ती रोकूं यहां? नहीं मालकिन जी, गांव वाले तो पहले से ही अपनी जमीन जायदाद लुटा चुके हैं, अब कहां रहेंगे, कहां जाएंगे, क्या खाएंगे, आप ही बताइए। मैं बोलूं? हाँ मैं बोलती हूँ। जब वो गांव वाले मुसीबत में पड़ते थे तो मेरे पास ही आते थे पैसा मांगने के लिए और मैं उन्हें मदद करती थी। तब तो तुम कहीं दिखाई नहीं दिए, तब तो तुमने कभी बोला नहीं कि उन्हें पैसे मत दीजिए, वो लौटाएंगे नहीं। तब तुम कहाँ थे? हाँ, और आज उनकी बड़ी तरफदारी करने आ गए हो? अरे मेरे पैसे क्या झाड़ से गिरते हैं? मेहनत की कमाई है, पता है? ऐसे नहीं दूंगी मैं पैसे। मालकिन जी, मेरी ईश्वर से प्रार्थना है कि आपके घर में लक्ष्मी की बरसात हो, भरपूर बरसात हो। लेकिन आपसे एक विनती है कि रंजीत बाबू को आप बख्श दीजिए और उनकी जमीन उन्हें लौटा दीजिए। क्यों? क्या तुम मुझे वो पैसे लौटाओगे? ठीक है, तुम मुझे वो पैसा लौटा दो, मैं उसे जमीन दे दूंगी। तुम लोग यही समझते हो ना कि मैं यहाँ खैरात खाना खोल बैठी हूँ? माफ करना, मुझसे ये सब नहीं होगा। और हाँ, अगर तुम्हें इतना दर्द है उनके प्रति तो तुम मुझे अपना मेरा पैसा दे दो और मैं उनके जमीन लौटा दूंगी। मालकिन जी, हमारे पास इतनी धनराशि नहीं है कि हम उनका कर्जा लौटा सके आपको। जब फूटी कौड़ी भी नहीं है तो किस मुंह लेकर वकालत करने आए हो? मालकिन जी, रंजीत बाबू अपने बच्चे और परिवार के साथ गांव छोड़कर चले गए हैं। उनके पास खाने के लिए भी नहीं है। अब आप ही बताइए क्या करें, आप उन्हें बचा लीजिए। भीख मांगने के लायक हो गए हैं वो लोग। छोटे छोटे बच्चों की भूख और प्यास देखकर मुझसे नहीं रहा जाता है। मालकिन जी, आप उन्हें बचा लीजिए। फूटी कौड़ी भी नहीं है और चले आए नेतागिरी करने। मालकिन जी, ना ही मैं कोई नेता हूं, ना ही मुझे नेतागिरी करने का कोई शौक है। तो फिर यहां से चले जाओ। ठीक है मालकिन जी, मैं जा रहा हूं यहां से, लेकिन हार मानकर नहीं। मैं यहां से विश्वनाथ बाबू के पास जाऊंगा। मैं उनके पास ना रंजीत बाबू के लिए मैं दया मांगूंगा। जो विश्वनाथ बाबू भी दयालु है, मैं उनसे कहूंगा कि रंजीत बाबू को कचहरी में जाकर उनके लिए उनका हक दिलाए। हमें मालूम है उन्हें उनका हक मिलेगा, विश्वनाथ बाबू ही दिलाएंगे, जरूर मिलेगा। नमस्कार। एक मिनट रुक जाओ। ठीक है, तुम जैसे कहते हो मैं वैसे करने के लिए तैयार हूँ। मैं तुम्हारे रंजीत बाबू की जमीन लौटा दूंगी
और जिससे उनका परिवार भी बच जाएगा। मगर मेरी एक शर्त है, तुम मेरी शर्त मान लो, मैं तुम्हारा काम कर दूंगी। तुम्हें विश्वनाथ बाबू के पास जाकर मेरे लिए एक काम करना होगा। अगर तुम वो काम कर देते हो तो रंजीत को उसका जमीन मिल जाएगा। करोगे? मालकिन जी, मैं विश्वनाथ बाबू के पास जाकर इंसानियत की भीख मांगूंगा, किसी प्रकार के व्यापार के लिए नहीं। एक बार सोच लो, फायदा में रहोगे। मालकिन जी, क्या आप मुझे रिश्वत से खरीदना चाहती है? यही तो तुम लोगों की ना समझ है, अपने भले के बारे में कभी नहीं सोचते हो। बस किसी ने कुछ बोल दिया, दिमाग में बैठ गया वही बात, और अपने आप को नेता समझने लगे। दिन दुखियारियों के लिए सिर्फ सेवा ही करो। लेकिन मालकिन जी, मुझे आपसे कोई फायदा नहीं चाहिए। अगर आप रंजीत बाबू का काम कर देंगे तो मैं विश्वनाथ बाबू से जरूर आपके काम के लिए बात करूंगा। यही तो तुम लोगों की कमी है। देखो भाई, मैं तो व्यापार ही समझती हूँ कि इस हाथ से दे और उस हाथ से ले। मालकिन जी, जहाँ प्रश्न इंसानियत का है वहाँ व्यापार कैसे हो सकता है? तो मैं क्या करूँ, मैंने मेरा सुझाव तुम्हें दे दिया है, अब तुम्हारी मर्जी। आपके पास बड़ी उम्मीद लेकर आया था मालकिन जी। ठीक है, लेकिन ईश्वर पे मुझे पूरा भरोसा है। नमस्कार। जाओ जाओ, ईश्वर के पास जाओ, शायद वही तुम्हारी कोई मदद कर दे। वो लोग तो मान के गए, अब हमारे पास क्या है देने के लिए? अब वो जो बोल के गए, ये दो वो दो, सारे जमीन तो ले ली, ये बता के गए, इनका क्या भरोसा? अब बताइए, अपने दिया क्या हमें जो हम उसको दें? जमीन तो थे, अभी हमारे पास कुछ नहीं है। तो तुम इतनी बड़ी बन लिया, अब इनके ऊपर भरोसा करके हम क्या करें? अब बताइए। आपको पता है हमारे बच्चे बड़े हो रहे हैं, तो बोलो कितने सवाल पूछते हैं मुझे, अब क्या क्या जवाब दो उनको? आपको तो कुछ फिक्र ही नहीं है, अभी 7 एकड़ जमीन ही दें, वो तो जाने लगा क्या हो तो जाता, वही तो हमारी रोजी रोटी था। अरे कुछ तो बोलो। मुझसे बहुत बड़ी भूल हो गई। भूल हो गई बोलने से चलेगा? कुछ ना कुछ तो रास्ता निकालना पड़ेगा। वो इतनी परिवर्तन हम जानते हैं, वो ऐसे नहीं छोड़ेगा। अब हम कहाँ जाए, क्या करें? आपकी नजर में तो मेरी कोई कीमत ही नहीं है, फिर भी मैं कहती हूँ एक बार माता जी से मिलो। माता जी से मेरी कोई पहचान है नहीं। अरे माता जी को मैं जानती हूँ, वो तो बहुत अच्छी है, कोई ना कोई पहचान निकल ही जाएगा। अब कोशिश तो करो पहले। एक बार माता जी ने कही थी तो विश्वनाथ बाबू रानी हो सकते। वो तो मैं भी जानता हूँ, लेकिन मैं पहुँचूँ कैसे उनके पास? मैं अनपढ़ हूँ, गवार हूँ, पर मैंने ऐसा सुना है कि ऐसे कोई जमीन हड़प नहीं सकती। आप एक बार माता से जाके मिलो। मैंने तो ये भी सुना है विश्वनाथ बाबू लोगों की बिना पैसे की मदद करते हैं। हमने कभी किसी का दिल नहीं तोड़ा, हमने कभी चोरी नहीं की, कभी लोगों का दिल नहीं तोड़ा, और विश्वनाथ बाबू हमारी मदद जरूर करेंगे, हमें पूरा विश्वास है। अगर तुमसे नहीं होता तो भैया को भेज दो, वो जरूर कुछ करेगा। ठीक है, चलो कोशिश करता हूँ, कुछ ना कुछ रास्ता निकल जाएगा। आता हूँ मैं। कागज आए कचहरी के। कचहरी के कागज है? तो मुझे सीधा सीधा बताओ, घुमाओ मत। ये पेपर तुम मित्र परिवार से
जमीन हड़पने के लिए यहाँ आए हो? कचहरी के आदमी हो तो इसका तुम्हारे पास क्या प्रमाण पत्र है? हाँ है मेरे पास कागज, लेकिन इस वक्त नहीं है। हमें मालूम है, निकल जाओ यहाँ से। क्या चल रहा है इधर? क्या चल रहा है? उसको हुआ क्या? देखो सिपाही, सरकार के काम में ये टांग आ रहा है। क्या बात है सिपाही? ये जो कागजात है ये नकली कागजात है, और यहाँ रंजीत बाबू को आके परेशान कर उनकी जमीन हड़पने की कोशिश कर रहे हैं। तुमने तो कहा था कि कचहरी का पूरी कागजात तैयार हो गया है। हाँ मैंने बोला था हो जाएगा, इसमें क्या बड़ी बात है? देखो, कोई भी कागजात तैयार होने से पहले गाँव वालों के पास आना मना है, और यही कंपनी का नियम है। ठीक है, जाइए आप। ठीक है सर। ऐसा तो मैं आपको जानता हूँ, कंपनी के खिलाफ बात करते हो ना? नहीं साहब, आप कैसी बात कर रहे हैं? हम लोग तो गरीब आदमी हैं, और खेती किसानी करने वाले आदमी। वो रंजीत बाबू तो हमारे पड़ोसी हैं, हमारे रिश्तेदार हैं। अब उन्हीं से मिलने नहीं आऊंगा तो आप क्या बताइए? ठीक है, क्या हुआ?